व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट जेक्यूरी मेथड। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एचटीएमएल एंड टेक्स्ट मेथड को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं स्लाइड पे चलूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक है एचटीएमएल मेथड, ओके, और हमारे पास एक है हमारे पास टेक्स्ट मेथड, ओके। तो हम इन दोनों को आज कवर करेंगे और दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, ओके। तो मैं आता हूँ एडिटर पे, ओके। तो देखिए गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने मीन के ये सारा फाइल क्रिएट किया हुआ था, ओके, और यहाँ पर हमने सीएसएस मेथड को देखा था, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक डिव लिया हुआ था और अब इस डिव को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, ओके, और इसका गाइस थोड़ा स्टाइल अप कर लें हम। यहाँ पर स्टाइल, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम इंक्रीज कर दें 30 पिक्सल, ओके, सेव। तो गाइस अब अगर मैं आऊँ अपने जेएस फाइल पे, ओके, और यहाँ पर कोई डमी टेक्स्ट पुट करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ओके आई एम एचटीएमएल, ओके एचटीएमएल मेथड, ओके सेव। अगर गाइस अगर एचटीएमएल एंड हम टेक्स्ट दोनों कर रहे हैं तो दोनों लिख देता हूँ यहाँ पर सेव, ओके। अगर मैं इसको ओपन करूँ या रिफ्रेश ही करूँ यहाँ पर, तो लास्ट टाइम हमने ये कवर किया था तो अभी पैराग्राफ शो नहीं हुआ, आई थिंक इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा मुझे, ओके। आई एम एचटीएमएल एंड टेक्स्ट, बाकी टैब हम क्लोज कर देते हैं, ओके। तो आई एम ओके, तो मैं आता हूँ गाइस एडिटर पर, और यहाँ पर हमारा मेन के एक बटन क्रिएट किया हुआ, उसको स्टाइल भी किया हुआ है, मेन डिव को स्टाइल किया हुआ है, ओके। तो ये स्टाइलिंग जो है वो मैंने कवर की हुई है, ओके। अब मैं आता हूँ इन्फो डॉट जे एस पे, ओके सेव। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखें गाइस हैश btn 1 गाइस आपका ये बटन है, मीन कि ये आईडी दिया मैंने यहाँ पर, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मीन कि डॉक्यूमेंट में रेडी कर दो फंक्शंस को, ओके। और वहाँ पर एक बटन है, अगर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो एक फंक्शन चले, तो फंक्शन क्या चले, दोबारा हम jQuery का जो स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे यहाँ पर डॉट, ओके। यहाँ पर जो है मीन के यहाँ पर हम लिखेंगे पी पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लूँ टेक्स्ट, ओके, और यहाँ पर अगर कोई मैं कुछ भी यहाँ पर मीन के इंटर करूँ, ओके jQuery, सिंपल हम jQuery लिख देते हैं, ओके jQuery टेक्स्ट लिख देते हैं, ओके सेव, ओके। अगर मैं इसको ओपन करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बटन का जो है हम यहाँ पर टेक्स्ट मेथड हम देख लें पहले, टेक्स्ट टेक्स्ट एंड एचटीएमएल मेथड, ओके। अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो वो मैंने टेक्स्ट लिया हुआ था, ओके। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा विड्थ हम चेंज करते हैं, स्टाइल, और यहाँ पर 300 कर देते हैं, ठीक है सेव, ओके। अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, ओके टेक्स्ट एंड एचटीएमएल मेथड, ओके। अगर गाइस मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा jQuery टेक्स्ट से, ओके। जैसे क्लिक करूँगा तो देखें jQuery टेक्स्ट आ गया, ओके। अगर फिर से दिखाऊँ आपको, रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, क्लिक करता हूँ तो उसने उस टेक्स्ट की यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इसको उड़ा दिया और वहाँ पर क्या आ गया आपका jQuery टेक्स्ट, ओके। तो अब मैं दोबारा से अगर दिखाऊँ आपको यहाँ पर, अगर गाइस यहाँ लेट से कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में हम H2, H1 हेडिंग हम ऐड कर देते थे, ठीक है, तो वैसे ही मैं हेडिंग यहाँ पर भी ऐड अप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर H1, ठीक है सेव, ओके। अगर गाइस आप रिफ्रेश करो तो अब इसकी jQuery टेक्स्ट की जो हेडिंग H1 क्या हेडिंग शो होनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अगर क्लिक करता हूँ तो देखें आपको जो H1 जो टैग है वो वैसे का वैसे ही आपको शो हो रहे हैं, ओके। तो अगर मैं गाइस यहाँ पर मीन के क्योंकि टेक्स्ट आपको देगा ना, ओके, अगर यहाँ पर सिंपल मैं अगर एचटीएमएल लिखूँ यहाँ पर, ओके, और फिर सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, ओके, तो अब आपको वो एचटीएमएल जो टैग दिखाई दें वन नहीं दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको हेडिंग वन दिखाई दे रही है, ओके jQuery टेक्स्ट, ओके। तो ये डिफरेंस है गाइस कि यहाँ पर टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो H1 टैग आपको शो होगा और अगर एचटीएमएल हम लिखेंगे तो H1 टैग आपको नहीं शो होगा, ठीक है, ओके। तो और अगर वैसे ही अगर कोई अगर मैं डमी टैक्स वैसे ही कोई पुट करता हूँ इनको हटा के तो भी आपको वो रिप्लेस करके देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ,
ओके। और देखें ये टेक्स्ट आई एम एस्टिमल एंड टेक्स्ट मेथड, ओके। इसकी जगह पे आप क्या शो होगा आपको, जे क्यूरी टेक्स्ट, ओके। अगर यहाँ लिखूँ क्लिक करूँ तो जे क्यूरी टेक्स्ट, ओके। तो गाइज ये है सिंपलेस्ट हमारे पास में इनके, बहुत सिंपल है टेक्स्ट एंड एस्टिमल मेथड, ओके। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।